जूते पास कर यार, जूते उतार दे तो यार टाइम नहीं है मेरे पास, तुमका खुद ही उतार दे। उतार लेना यार, उतार दो सर। हाँ बताता हूँ यार, थोड़ी देर में पार्टी है। पहले पेपर कितनी टेंशन है। अच्छा किधर सर, पेपर मेरा सर, सर पेपर है मेरा सर। पेपर तो अपडेट हो चुके हैं, आप अगले सेमेस्टर में पेपर नहीं दे सकते, अगले सेमेस्टर में आप दे दीजिए। दसवीं भी तो लेट हो सर, प्लीज जाने देना, वो स्कॉलरशिप है मेरी, कहना है कि सर वो स्कॉलरशिप, यार ये स्कॉलरशिप तो आती जाती रहती है सर, थोड़ा सा तो लेट हो सर, प्लीज जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ सर, प्लीज पेपर में आने दो मुझे प्लीज। चलो ऐसा करो, ये जूते उतारो और पॉलिश करवा के पॉलिश करवा के। सर आप इंसल्ट कर रहे हैं सर, इसको आप इंसल्ट समझते हैं? तो उस बंदे की कोई इज्जत नफ्स नहीं थी जिसे आपने सुबह जब आप पॉलिश करवाने के लिए गए वहाँ पे जूते उठा के उसके मुँह पे मार दिया? बहुत शर्मिंदगी हुई है मुझे उस वक्त कि हम ऐसे तालिब इल्मों को यहाँ तालीम दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं वो रिश्ते हराम कमाने की खातिर जो वहाँ पे बैठा हुआ है, किसी इज्जत के काबिल नहीं है, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है माशा, वो इंसान नहीं, इंसान से फॉर्म कैसे नहीं बोलता? मैं क्या करूँ सर, प्लीज़ पेपर में दोबारा आ जाए। ओके आप ऐसा करो कि उस उधर ही वापस जाओ उस मोची के पास जो सुबह आपने उसके साथ बिहेव किया है, उसके उससे माजरत करो, ठीक है, और उसे प्रॉमिस करो कि आइंदा जिंदगी में आप कभी किसी के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। उसके बाद आप वापस आ जाए फिर पेपर की बात करते हैं, ठीक है। सुबह जो भी मैंने तेरे साथ किया यार उसके लिए मुझे माफ कर दिया। मैंने तो सुबह ही माफ कर दिया था, बेशक अल्लाह ही माफ करने वाला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हाथ की मेहनत से कमाए हुए खाने से बेहतर कोई खाना नहीं।